हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम के एक और लेटेस्ट और अमेजिंग TDL फाइल के बारे में बताएंगे। और टैली प्राइम की ये TDL फाइल भी बाकी सभी TDL फाइल्स की तरह एक एडवांस TDL है। इस TDL फाइल की मदद से जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कोई भी सेल या परचेज की एंट्री करते हैं तो ये TDL फाइल हमें 2 डेज टोटल सेल और परचेज के बारे में बता देती है। यानी जोन सी भी डेट हमने सेलेक्ट की होगी उस डेट को हमने कितनी सेल की है, और सेम इसी तरीके से अगर हम परचेज की एंट्री करते हैं तो जोन सी भी डेट हमने सेलेक्ट की है उस डेट को हमने टोटल कितनी परचेज कर दी है, ये हमें सामने की तरफ ही मेंशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये कौन सी एडवांस TDL फाइल है और किस तरीके से वर्क करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली प्राइम की 2 डेज टोटल सेल एंड परचेज TDL फाइल के बारे में बताएंगे। इस TDL फाइल के नेम से इस TDL फाइल का वर्क भी कंफर्म हो जाता है। 2 डेज टोटल सेल परचेज यानी जोन सी भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे जब भी हम सेल और परचेज की एंट्री कर रहे होंगे उस डेट को जितनी भी टोटल सेल होगी, सेम इसी तरीके से परचेज के वाउचर में उस डेट को टोटल जितनी भी परचेज होगी हमें वहीं पे मेंशन हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले बिना TDL फाइल के एक बार आपको सेल और परचेज का वाउचर दिखा देते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट के वी। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम सेल्स के वाउचर में सेल्स के वाउचर की शॉर्टकट की है F8 की। अब यहाँ पे जैसे ही हम उस TDL फाइल को लोड कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी डेट है वो 1 जनवरी 2021 सेलेक्ट है। तो यहाँ पे हमें सामने की तरफ ही मेंशन हो जाएगा कि 1 जनवरी में हमने टोटल कितनी सेल कर दी। सेम इसी तरीके से जितनी भी डेट है यानी कोई भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे तो उस डेट में टोटल जितनी भी सेल की होगी यहीं पर हमें मेंशन हो जाएगी। और अगर हम परचेज के वाउचर को ओपन करेंगे तो सेम इसी तरीके की वर्किंग परचेज के वाउचर में भी आएगी। तो आइए सबसे पहले इस TDL फाइल को हम लोड कर लेते हैं, दोनों उसके बाद आपको सेल और परचेज की एंट्री भी करके दिखाएंगे। तो ये हमारी वो TDL फाइल है जिसका नाम है 2 डेज टोटल सेल एंड परचेज TDL फाइल। इस TDL फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आकर यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आइए और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है TDLs एंड एडोन्स इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की O। अब इस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी TDL फाइल्स हम पहले से लोड कर चुके हैं वो सारी सामने की तरफ आ रही हैं और नई TDL फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा है मैनेज लोकल TDLs, इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F4। अब इस पे क्लिक करने के बाद हम TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है लोड सेलेक्टेड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप इसको यस कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे नई TDL फाइल को लोड करने के लिए आप देखेंगे फाइल सिलेक्शन में 2 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और इस TDL फाइल का पूरा पाथ पेस्ट कर देंगे शॉर्टकट के Ctrl V, देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे ये TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब ये TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए दोबारा से हम सेल और परचेज के वाउचर को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए दोबारा से ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की हमारी V ही है। देन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है टोटल परचेज और ये 2 डेज की टोटल आ रही है, यानी इस डेट को 1 जनवरी में हमने जितनी भी टोटल परचेज की होगी वो सारी हमें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर हम सेल्स के वाउचर को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा है 2 डेज टोटल सेल, यानी 1 जनवरी के अंदर हमने कोई भी अब तक सेल नहीं किया है इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आ रही। तो एक हम ऐसी डेट आपको ओपन करके दिखाते हैं जिसके अंदर हमने एंट्री की हुई है। तो यहाँ पे हम 1 फरवरी की डेट को ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने 1 फरवरी को ओपन किया यहाँ पे 2 डेज टोटल सेल के अंदर 1 फरवरी में टोटल 75,400 की सेल की है, यानी उस दिन में हमने टोटल जितनी भी सेल की होगी। और जैसे जैसे हम एंट्री करते रहेंगे यहाँ पे यह अमाउंट भी हमारा चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पे मैं डेट को चेंज कर देता हूँ 2 फरवरी, तो आप देखेंगे 2 फरवरी के अंदर 39,400 की सेल की हुई है। अब इसी के अंदर दोबारा एक सेल की एंट्री करते हैं और आप देखेंगे 39,400 भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे हम किसी भी कस्टमर को सेट कर लेते हैं GSP टेलीकॉम, सेल लेजर में सेल ले लेते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में किसी भी एक स्टॉक आइटम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं 1 पीसेस। अब यहाँ पे हम आपको नॉर्मल एक सेल की एंट्री करके दिखा रहे हैं, कोई भी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे 39,400 है, जैसे यहाँ पे इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा देंगे ये 20,000 पीस के अंदर प्लस हो जाएगा।
तो एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे पहले 39,400 था, अब यहाँ पे 59,400 हो चुका है, यानी 20,000 रुपये इसमें प्लस हो चुका है। सेम इसी तरीके से परचेज के अंदर भी कैलकुलेशन वर्क करेगी। तो आप देखेंगे 2 फरवरी के अंदर टोटल हमने इतनी परचेज की है। अगर यहाँ पे हम 1 मार्च की डेट को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे 1 मार्च में टोटल हमने इतनी परचेज की है। तो 1 जनवरी की एक एंट्री ओपन करते हैं, 1 जनवरी में कोई भी परचेज नहीं आ रही, तो 1 परचेज की एंट्री हम कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम में किसी भी एक सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं, हेमंत प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज को ले लेते हैं और नेम ऑफ आइटम में अपनी एक स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर हम डाल देते हैं 10 पीसेस, तो आप देखेंगे 1,20,000 का अमाउंट आ चुका है। सिंपल इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे 1 जनवरी में अभी तक कोई भी परचेज नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अब 1,20,000 की परचेज आ चुकी है। तो टैली प्राइम की काफी एडवांस TDL फाइल है, और साथ ही आप देखेंगे आपको सेल और परचेज के वाउचर में काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर की तरफ अटैचमेंट, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कॉलम आ रहे हैं जिसके अंदर हम अपने HSN कोड, GST का रेट डाल सकते हैं। देन सेल्स के वाउचर में अलग अलग तरीके के एडिशनल कॉलम्स भी आ रहे हैं, और इतने ही नहीं, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए नीचे की तरफ, राइट साइड में और ऊपर की तरफ काफी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आ रहे हैं। ये जितने भी फीचर्स हैं सभी अलग अलग तरीके की TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं, और जितनी भी TDL फाइल्स हैं ये सारी आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP 9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये 5 ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं, और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं, और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।